इस वीडियो में हम डाटा एक्सेस डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट एक और एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि डाटा एक्सेस क्या होता है डाटा एक्सेस इज अ फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक दैट अलाउज़ यू टू तो एक्सेस एंड एन मैनिपुलेट एनी डाटा बेस फ्रॉम विजुअल बेसिक यानी कि विजुअल बेसिक की डाटा एक्सेस सुविधाएं जो आपको विजुअल बेसिक से किसी भी डाटा बेस तक एक्सेस पहुंचने या एक्सेस करने या हेरफेर करने की अनुमति देता है द डाटा बेस में भी आइडर एमएस एक्सेस डाटा बेस और प्रो डाटा बेस और इट में ऑल्सो भी एनी ऑफ द रिलेशनल डाटा बेस सच एज और डाटा बेस या तो एम एस एक्सेस डाटा बेस या फॉक्स प्रो डाटा बेस हो सकता है या yeah, ऑर्कल yeah, जैसे रिलेशनल डाटा बेस में से कोई भी हो सकता है इट मे अल्सो भी एनी ऑफ द यू कैन डेवलप अप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक दैट कैन एक्सेस डाटा इन अ डाटा बेस आप विजुअल बेसिक में अप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो डाटा बेस में डाटा तक पहुँच सकता है डाटा तक पहुँच सकता है तो अब द फॉलोइंग आर द वेरियस वेज ऑफ एक्सेस डाटा बेस वेरियस तरीका है जिससे हम डाटा को एक्स डाटा बेस को एक्सेस कर सकते हैं वो है डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट फर्स्ट वो देखते हैं सबसे पहले दिस इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल दैट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग विच कैन एक्सेस अ डाटा बेस यह एक ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसके उपयोग से डाटा बेस को एक्सेस कर सकते हैं या डाटा बेस तक पहुँच हो सकती है दिस मॉडल गिव्स कंप्लीट कंट्रोल ऑन द डाटा बेस यह मॉडल डाटा कंप्लीट कंट्रोल देता है इस में और एमएस एक्सेस का उपयोग किया जाता है दिस वॉज फर्स्ट मॉडल टू बी यूज इन विजुअल बेसिक यह विजुअल बेसिक में इस्तेमाल होने वाला पहला मॉडल था इट इज पार्टिकुलर टेबल फॉर MS Access एक्सेस एंड नॉट for फॉर and एंड SQL. So Microsoft layer introduced सो माइक्रोसॉफ्ट लेयर यह MS Access एक्सेस के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और Oracle और MS SQL के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट लेयर ने RDO (Remote Data रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था तो अब देखते हैं RDO के बारे में रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओनली यूज टू एक्सेस ओ डी बी सी डाटा सोर्स सच एज ऑर्कल इन ऑब्जेक्ट्स का उपयोग केवल ओ डी बी सी डाटा सोर्स जैसे कि ऑर्कल तक पहुँचने के लिए ऑर्कल तक ऑर्कल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है दीज ऑब्जेक्ट्स एक्सेस डाटा बेस दैट आर ओन रिमोट मशीन डाटा बेस सर्वर या ऑब्जेक्ट रिमोट मशीन डाटा सर्वर पर मौजूदा डाटाबेस तक एक्सेस होते हैं पहुंचते हैं दिस ऑब्जेक्ट्स मॉडल हैज़ लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम्पेयर विथ डी एंड मोर सुटेबल फॉर एक्सेसिंग रिमोट डाटाबेस इस ऑब्जेक्ट मॉडल में डी ए ओ की तुलना में कम संख्या में ऑब्जेक्ट हैं और दूरस्थ डाटाबेस तक पहुँचने के लिए अधिक उपयुक्त है। अब देखते हैं एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट ए डी ओ के बारे में माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑब्जेक्ट मॉडल कॉल्ड एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट ए डी ओ विच इज बेस्ड ऑन एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऑब्जेक्ट मॉडल पेश किया है जिसे एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट ए डी ओ कहा जाता है जो कि एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है फॉर फर्स्ट टाइम इन भिजअल बेसिक सिक्स पॉइंट जीरो पहली बार विजुल बेसिक सिक्स पॉइंट जीरो में दिस ऑब्जेक्ट हैज़ वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज बेस्ड ऑन ओ एल ई डी बी इंटरफेस इस ऑब्जेक्ट में बहुत कम ऑब्जेक्ट हैं और यह ओ एल ई डी बी इंटरफेस पर आधारित है ओ एल ई डी बी इंटरफेस इज़ अ न्यू इंटरफेस रिप्लेसिंग ओ डी बी सी एंड अदर्स थ्रू विच कैन एक्सेस डाटा ऑफ ऑल फॉर्मेट्स इन द सेम मैनर ओ एल ई डी डी बी इंटरफेस एक नया इंटरफेस है जो ओ डी बी सी और अन्य की जगह पर है आया है जिसके माध्यम से सभी फॉर्मेट्स के डाटा की एक ही तरीके से एक्सेस किया जा सकता है ए डी ओ यूजेज ओले डी बी प्रोवाइडर टू एक्सेस द डाटा दैट मीन्स इच डाटा बेस इज एक्सेस थ्रो डी बी प्रोवाइडर ए डी ओ डाटा तक पहुँचने के लिए ओले डी बी फॉर्मेट्स प्रदाताओं का उपयोग करता है जिसका मतलब है कि प्रत्येक डाटाबेस को ओल डीबी प्रोवाइडर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है तो इस वीडियो में इतना ही यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय जय हिंद बंदे मातरम